कमोडिटी मार्केट की, वहां पर रणनीति क्या अपनाएं, ये बताने के लिए हमारे साथ कुंवर जी ग्रुप से रवि देवरा जुड़ चुके हैं। रवि, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना ईटी नाउ स्वदेश को। सबसे पहले तो सोने चांदी से शुरुआत करते हैं। अब अगला इवेंट फेड की बैठक होने वाली है, उस पर नजर है सबकी, तो ऐसे में सोने चांदी की चाल आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली लास्ट वीक में एक काफी अच्छे मोमेंटम के बाद शायद एक दो दिन थोड़े कंसोलिडेशन के हो सकते हैं, पर्टिकुलर जो बड़े इवेंट है उसके पहले सारे के नॉन एग्री क्लास में थोड़ा एक कंसोलिडेशन का माहौल हो सकता है। आज थोड़े गैप डाउन ओपनिंग की इंडिकेशन सिल्वर से मिल रहे, मुझे लग रहा है कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। गोल्ड थोड़ा टेपिड है क्योंकि बड़े इवेंट के पहले कल सीपीआई इन्फ्लेशन है, परसों पॉलिसी है फेड की, तो इसके पहले थोड़ा वहां पे कंसोलिडेशन देखने को मिले। बट आज जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट इंडिकेट कर रहा है 0.80-0.90% से एक गैप डाउन शुरुआत होगी, बट वो एक अच्छे बाइंग अपॉर्चुनिटी सिल्वर के जुलाई कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं देख रहा हूँ। 73,400 के करीब उसमें बाय करना है, स्टॉप लॉस लगा है 73,000 के करीब एंड 74,400 तक के लेवल आपको सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पे बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। ठीक है, तो सोने चांदी में हल्की गिरावट आएगी लेकिन खरीदारी के मौके यहाँ पर देख रहे हैं रवि। क्रूड में क्या करें, वहां पर चाइना में जो कमजोर आंकड़े है उसके बाद हम यहाँ पर भी दबाव देख रहे हैं, क्या दबाव और जारी रह सकता है, करेक्शन और देख रहे हैं आप? जरूर से आज थोड़ा वीकनेस का साइन दिख रहा है, पर्टिकुलर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हायर लेवल पे सस्टेन नहीं हो पा रहा था, तो आई थिंक आज कल के क्लोज का स्टॉप लॉस लगा के ही बेच के चल सकते हैं। 570 के करीब स्टॉप लॉस लगा के जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में बेच के चले। डाउन साइड मुझे लग रहा है 5,750 तक के लेवल क्रूड में इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पे क्लियर वीकनेस है। आई थिंक शायद लग रहा है कि आज एक और दिन ये वीकनेस एक्शन हो सकते हैं, बट 5700 से 5750 एक अच्छा सपोर्ट रेंज है, वहां पे एक बार मुनाफा वसूल कर लेंगे। 5700 से 5750 ये एक मुनाफे बुक करने की यहाँ पर राय आपको दी जा रही है, इस लेवल तक गिरावट आ सकती है। लेकिन आप रवि, इसके अलावा बेस मेटल्स में आप मौके कहाँ देख रहे हैं? बेस मेटल में वैसे टैपिट है, मिक्स जोन रहेगा, कोई बड़े उछाल या बड़े गिरावट की एक्सपेक्टेशन से एक दो दिन जब तक ये पॉलिसी नहीं आती तब तक नहीं देख रहा हूँ, एक कंसोलिडेशन का माहौल है। हालांकि इन्वेंट्री वाइज मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम ये लेवल पे कंफर्ट जोन पे 205 के करीब क्लोज हुआ था, 204 के करीब बाय करे, 210 का टारगेट रहेगा एक से दो ट्रेडिंग सेशन का, 201 के स्टॉप लॉस के साथ वहां पे बाय करना है। ये जो वोलेटिलिटी है इसमें एक कमोडिटी है जिसने काफी स्टेबिलिटी बताई, तो जैसे ही कुछ पॉजिटिव न्यूज या डॉलर इंडेक्स में कुछ भी थोड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा उछाल जून कॉन्ट्रैक्ट जो एल्यूमिनियम है उसमें आपको आगे देखने को मिले, तो आई थिंक ये कमोडिटी है जिसमें मैं आज बाइंग की रिकमेंडेशन दूंगा। ओके, ठीक है, तो ये है राय कमोडिटी पर और सोने चांदी में यहाँ पर निश्चित स्तरों से आप खरीदारी कर सकते हैं, और बेस मेटल में एल्युमिनियम अच्छा लग रहा है, 210 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय रवि की तरफ से। रवि, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए।